यूपी, बिहार, बंगाल तीनों राज्यों में 7 फेज में चुनाव होगा। 26 अप्रैल को वोट पड़ेंगे मध्य प्रदेश में और 26 अप्रैल को ही केरल में भी इलेक्शन होगा। बिल्कुल, और 26 अप्रैल को देखिए बिहार और यूपी में, यूपी और बिहार में 7 फेज में चुनाव होना है। और देखिए सबसे बड़ी चुनौती भी इन्हीं राज्यों में होगी, बंगाल को लेकर भी। हालांकि भावेस मुझे लगता है बात होनी चाहिए कि इससे पहले प्रिया एक बार प्रोफेसर साहब कुछ यूपी पे जब आप बात कर रही थी जब तब कुछ कहना चाह रहे थे। मैं सिर्फ इतना जिक्र करना चाह रहा था कि देखिए राहुल जी कह रहे थे कि भाई कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जो समाजवादी पार्टी के स्ट्रांग होल्ड हैं, लोकसभा में वो ऐसा निखर करके नहीं आता, विधानसभा के स्ट्रांग होल्ड हैं, लेकिन ओवरऑल जब हम लोकसभा में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मतों का प्रतिशत का अंतर बहुत बहुत चौड़ा है। और वो समाजवादी पार्टी किसी भी स्थिति में आज के दिन में जो है वो कंपेंसेट करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जो है ये चुनाव जो होगा वो एक तरफा ही होगा, भीड़ आ जाएगी। एक देखिए सोशल कोएलिशन जो है, इससे बढ़िया सोशल कोएलिशन नहीं हो सकता था समाजवादी पार्टी के लिए कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ आए, तब भी वो पिट जाते हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश ने सामाजिक समीकरण के सारे जो पुरानी प्रचलित मान्यताएं थी उसको ध्वस्त कर दिया है, और ये चीज़ें आपको बिहार में उतना देखने को नहीं मिलेगा, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। राम मंदिर, हिंदुत्व, नरेंद्र मोदी, योगी, ये इतना बड़ा फैक्टर है कि समाजवादी पार्टी का जाति नहीं चलती। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता से पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगे, व्यक्तिगत बातचीत में कहा यार कौन अपना समूचा पैसा बर्बाद करने जाए, कमाई हुई पैसा बर्बाद करने का कोई तुक नहीं बनता है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर है। ये एक राहुल जी ने बात कई बार उस पर देवेंद्र से जवाब दूंगा, इसमें ऐड करूंगा। आजमगढ़ में क्या होगा, आपको गुड्डू जमाली जिसने 266,000 वोट पिछली बार काटे थे वो सपा के साथ आ जाएंगे तो आपको लगता है बीजेपी जीत जाएगी? तो हम भी कह रहे हैं आजमगढ़ बीजेपी हार रही है। इसी तरह से जहां जो आगे दूंगा जो ग्राम पोजीशन है हम वही बता रहे हैं, हमारा सर्वे कह रहा है आजमगढ़ समाजवादी पार्टी जीतेगी। देखिए रामपुर का इलेक्शन जो कि इसलिए हारा गया था क्योंकि बीएसपी ने वहां पे मुस्लिम वोट काटा था, और बीएसपी अगर मैं कह रहा हूं कांग्रेस और सपा का कोई पीछे से इन सब का कोई वो हो जाता है अरेंजमेंट हो जाता है तो वहां पे क्या होगा? अभी कोई अरेंजमेंट नहीं है ना, अभी नहीं है, अभी बीएसपी अलग लड़ रही है, इसीलिए बोल रहा हूं। अभी के हिसाब से रामपुर बीजेपी जीत रही है, अभी के हिसाब से रामपुर बीजेपी जीत रही है। लेकिन आपने जो बात कही देवेंद्र उसका जवाब दे सकते हैं कि सब कुछ अगर इतना आसान है, केक वॉक जैसा दिखाई दे रहा है यूपी के अंदर जहां मोदी योगी राम मंदिर के नाम पर ही वोट पड़ना है और विपक्ष के हाथ में कुछ नहीं है, तो क्यों टिकट नहीं डिसाइड कर पाई बीजेपी अभी तक 24 सीटों पर? देवेंद्र अरे सौरभ ये बहुत विचित्र तर्क हो जाएगा और एकदम मुझे लगता है कि तथ्य से कोसों दूर होगा। जैसे इस लिहाज से आप समझ लें कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि बीजेपी ने यूपी के अपने कैंडिडेट एक ही बार में 51 अनाउंस कर दिए हों। दूसरी चीज़ आप देखिए कि ग्राउंड के हिसाब से गाजियाबाद की सीट, मेरठ की सीट, कानपुर की सीट, देवरिया की सीट, ये सारी सीटें अगर अभी रोक के रखी गई हैं तो क्या इसलिए कि वहाँ पर बीजेपी को कोई डर है, बीजेपी को हार का खतरा है? ये वैसी सीटें हैं सौरभ, और इनमें से मैं आपको कई सारे नाम अभी गिना दूँ, वैसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट आसानी से जीतेगा। ऐसा नहीं है कि उसको आप सिर्फ इस लिहाज से कैंडिडेट के चयन में थोड़ा वक्त लेते हैं ताकि आपको अपोजिशन से कोई खतरा हो, बल्कि अपने पार्टी के इंटरनल ढांचे में अगर आपको ये लगता है कि किसी नए कैंडिडेट को आगे करना है, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बता दूँ कि सत्यदेव पचौरी हैं कानपुर में, वहाँ पर उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है और बीजेपी दूसरे विकल्पों पर विचार कर रही है, इसलिए उस सीट को रोक कर रखा गया है। जबकि बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट होगा 4 जून को आप देखेंगे कि कानपुर में बीजेपी जीत रही है। गाजियाबाद की बात कर लें तो गाजियाबाद में वीके सिंह के मंत्री के तौर पर कामकाज बहुत अच्छा रहा है, स्थानीय संगठन के साथ उनका तालमेल बेहतर नहीं रहा है, तो ऐसे में बीजेपी उस सीट को बदलने के पर विचार कर रही है कि किसी नए कैंडिडेट को क्या दिया जा सकता है। अन्यथा बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट होता, गाजियाबाद का रिजल्ट आपको समझ में आएगा 4 जून को। मेरठ में आपको यही स्थिति नजर आएगी, देवरिया में रमापति त्रिपाठी उम्र लगभग 72 साल के आसपास है, वहाँ पर बीजेपी किसी दूसरे विकल्प पर विचार कर रही है, वहाँ भी बीजेपी की एकदम से सेफ सीट है। बलिया की बात कर लें, बीजेपी की एकदम सेफ सीट है, अभी भी उसको रोक कर रखा गया है। तो अधिकांश ऐसी सीटें जहाँ पर बीजेपी को कैंडिडेट्स बदलना है उनको रोक कर रखा गया है। दूसरी चीज जैसे कैसरगंज की बात कर लें, बिजभूषण शरण सिंह, वो एक पेचीदा मामला था कि देना है कि नहीं देना है, इसलिए आप होल्ड करके रखे हैं। वरुण गांधी की अगर बात करें तो वो एक पेचीदा मामला है कि आपको उनको क्या करना है, वो होल्ड करके रखे हैं। अन्यथा यूपी को लेके कोई कंसर्न जैसी बात सौरभ बिल्कुल भी नहीं है। आपने नाम ले ही लिया है तो हम लोग बाद में तो इस पर बात करते, तो अभी आप बता दीजिए देवेंद्र,
वरुण गांधी को लेकर पार्टी क्या सोच रही है? अभी अंतिम नतीजे का इंतजार है सौरभ, क्योंकि अंतिम नतीजे आप समझते हैं कि हाँ वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में किसका ओपिनियन सबसे ज्यादा मायने रखेगा। बीजेपी में जो थिंकिंग है वो दो है, एक तो ये कि क्या उनका टिकट काट के उनको एक तरह से आप कहें कि खुला छोड़े कि उसके बाद जो मर्जी है वो बोलें, या फिर उनको टिकट दे के फिर से कम से कम एक अवसर दें कि आप बीजेपी के अनुशासित सांसद के तौर पे आगे रह सकते हैं। तो इन दोनों मसलों को लेके पार्टी ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन निगेटिव ज़्यादा है क्योंकि वरुण गांधी के हिसाब से आप देखें तो अपनी तरफ से उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है पार्टी की धज्जियाँ उड़ाने में, चाहे इनडायरेक्ट ही सही लेकिन वो इस काम को बखूबी करते रहे हैं। अब ऐसे में जो फाइनल कॉल होगा उस पर पार्टी के कई बड़े नेताओं से हमने पूछा, उनका ये कहना था कि अभी हम तक ग्रीन सिग्नल नहीं पहुंचा है कि वरुण गांधी के केस में करना क्या है। संभावना ज्यादा ये रहेगी कि शायद टिकट काटा जाए, अगर नहीं काटा जा रहा है तो वो एक सरप्राइज के तौर पर रहेगा। अरे ठीक है, अब चूंकि देखिए सर्वे के आधार पर भी हम लोग बहुत बात करते हैं और सर्वे केवल हमारे जैसे मीडिया हाउस या चैनल करते हैं ऐसा नहीं है, ये सारी पार्टियां सर्वे कराती हैं, सारी पार्टियां जो हैं माहौल चेक करने के लिए उम्मीदवार किसको दे सर्वे के सहारे अपने अपने फैसले करती हैं। अब भावेश ने एक सर्वे पहले किया अभी कुछ दिनों पहले, इनके सर्वे ने बताया कि बीजेपी को बहुत अच्छा नतीजा यूपी में मिलेगा, बल्कि इतना कि 80 में से 78 सीटें बीजेपी एज पर है यानी जीत सकती है। उसके बाद आप दूसरा सर्वे भी कर चुके हैं, मैं थोड़ा टीज भी करता हूं लगातार अपने दर्शकों को कि अगला सर्वे आने वाला है जल्दी आपके सामने, अगला ओपिनियन पोल सारे देश का सारी 543 सीटों का, ये मत बताइए कि कितनी सीटें आपने दी है उसमें, कुछ बदल रहा है क्या माहौल, कुछ जमीन पर बदला है क्या आपके दोनों सर्वे के बीच? देखिए कुछ राज्यों में तो जरूर बहुत हद तक बदलते हुए दिख रहे हैं, जैसे बंगाल में आप देखेंगे बीच में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए, बीजेपी ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के उसमें बीजेपी ने कुछ गड़बड़ किया, टीएनसी ने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के उसमें भी कुछ गड़बड़ हुआ, उसके बाद सीए आया तो वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुआ जिसके वजह से सीटों में फेरबदल और बीजेपी के लिए कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी जैसे पहले था कि जब हम लोग मान के चल रहे थे 25-26 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, अब सुनने में आ रहा है कि 31-32 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, तो वहाँ पर चेंजेज होंगे। बिहार में जरूर चेंज होने की संभावना है क्योंकि जो पारस पशुपति पारस है वो शायद एनडीए छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जो अपना एनडीए है जो 2019 में चुनाव लड़ी थी वो एक कंसोलिडेटेड दिखता है, और दूसरा उसका आरजेडी के साथ जहां जहां पे फाइट होगा उसमें बहुत ज्यादा बड़ा गैप है, तो वहां पे कंसोलिडेशन दिख रहा है। साउथ में जैसे एक नया डेवलपमेंट हुआ, आंध्र प्रदेश में टीडीपी जैसे वापस आई है एनडीए में, तो वहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट दिखेगा, तो चेंज तो दिखेगा आने वाले जब जब हम फेज वाइज में सर्वे रिलीज करेंगे तो आपको चेंज दिखेगा। आप क्या चाहते हो यूपी में सीट वाइज बता दे तो कुछ बदल रहा है क्या, कुछ बदल रहा है क्या, इतना जानना चाहता हूँ। देखिए जब हमने 5 मार्च को यूपी का नंबर रिवील किया तब से अब तक बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रही, हाँ जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बीजेपी की तरफ से हुए कुछ गड़बड़ जरूर हुए, लेकिन खासकर यूपी में बिहार में या पूरे नॉर्थ की बात करें तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बीजेपी के लिए कैंडिडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, उसी वजह से दूसरे तरफ जो अपोजिशन है उसका वोट शेयर बहुत ही लो मार्जिन पर है, इसलिए शायद बीजेपी खराब कैंडिडेट देके भी वहाँ पे निकाल ले, लेकिन कुछ सीटें अभी जरूर है जहाँ पे बीजेपी उम्मीद कर रही है कि वहाँ पे यदि एंटी पोलराइजेशन होगा तो ही बीजेपी जीतेगी, अगर एंटी पोलराइजेशन या रिवर्स पोलराइजेशन यदि नहीं होता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। बहुत सारी ऐसी सीटें जब हम सीट वाइज डिस्कस करेंगे तो शायद उसमें पता चले तो